Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. Bro, भाई ब्रर आता सीओ भाई जान, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज तुमको मैं गेम के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं बहुत पहले खेला करता था. लाइक इसका नाम है ट्रेनर कैनियन, एंड अगर तुमको इसको डाउनलोड करना होगा, मैं टाइम लैप्स अब भी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, मैं भूल ना जाऊँ. या फिर तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो सिंपली पहले तो मैं बहुत पहले इसको खेला करता था, सो मेरे को लग रहा है स्क्रीन का साइज थोड़ा सा ऊट पटांग हो गया है, मतलब या ऑफ कोर्स. ओके चलो नेवर माइंड, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा वीडियो में. फिलहाल यहाँ पे मेरे टीम तुम देख सकते हो यार, मतलब मैंने बहुत पहले इसको खेला था, एंड इसमें तुम मतलब इतने सारे फीचर्स हैं ना, कूट कूट के भरे पड़े हैं कि मैं तुमको कहाँ से शुरू करूँ, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा. चलो ठीक है, फिलहाल मैं तुमको अपना पहला टीममेट दिखाता हूँ जो मैंने छोड़ दिया था, एंड ये रहा हमारा मेगा रेगी गैस. तो तुम यहाँ देख सकते हो कि रेगी गैस मेरे ख्याल से ओरिजिनली मेगा वो नहीं होता, बट हाँ इस गेम में बहुत सारे ऐसे मेगा एवोल्यूशंस हैं जो कि लाइक रियली में एग्जिस्ट करते नहीं हैं. लाइक जैसे भी तुमको दिख रहा है ये मेगा रेगी गैस, तुमको मैं मेगा लूकिया दिखाता हूँ. ओके यहाँ पे मेगा एवोल्यूशन का तुमको ऑप्शन दिख रहा है, एंड ये रहा तुम्हारा मेगा लूकिया. भाई इसमें सबसे कूल चीज़ मुझको यही लगती है, लाइक मेगा लूगिया एनिमे में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इस गेम में ऐसे ऐसे पोकेमॉन्स के मेगा है ना जो तुम देख के मतलब तुम्हारा दिमाग सटक जाएगा भाई. ओके यहाँ पे मेगा रेक्वाजा तुम देख सकते हो, ये भी मेरे टीम में है. मेरे पास सीमिन था, एंड इसका मेगा एवोल्यूशन था क्या? ओके इसका मेगा एवोल्यूशन इसका स्काई फॉर्म है अगर तुमको याद है. ओके चलो ठीक है बॉयस, और कुछ यहाँ पे मेगा पालकिया तुम देख सकते हो, ये मेरा वाला है. एंड मेरे पास मेगा ब्लेजीकिन है, मेरे पास सीजोर नहीं क्या साइथर नाम है इसका, एंड मेरे पास ये है स्लैकिंग. एक्चुअली एनिमे में स्लैकिंग उतना कुछ खास नहीं है, बट या इस गेम में बहुत पावरफुल है ये स्लैकिंग. मेरे पास सेल्बी है, सेल्बी शायद मेगा इवॉल्व हो सकता है यहाँ पे, एंड ये देख सकते हो भाई सेल्बी का मेगा एवोल्यूशन. एक्चुअली यहाँ पे ना जनरेशन 8 तक के तुमको पोकेमॉन मिल जाते हैं, तो वो भी बहुत कूल चीज़ है. ये देखो मेरा कायोगर, इसको भी तुम मेगा इवॉल्व कर सकते हो, एंड दैट्स लुक ऑसम मैन. ओके और अगर मैं तुमको अपने टीममेट्स में पोकेमॉन्स दिखाऊं जो जो मेरे पास है, चलो पोकेमॉन्स तो मैं तुमको दिखाते रहूंगा आगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग उसको आ रही है. फिलहाल मैं तुमको एक और दिखाता हूँ, दैट इज मेगा डीएलगा, एंड इसका तुम भाई देखो भाई खतरनाक. ये मुझको बहुत अच्छा लगता था, बट मैंने इसको मेगा एवोल्यूशन नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा टफ गेम बन जाता है, लाइक इसका टफनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा टफ है. ओके आज की वीडियो थोड़ी सी रैंडम बन रही है क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ ऑर्गेनाइज किया नहीं था इसके लिए, बट मैं सिंपली इसी तरह बस इसको खेल रहा हूँ. तो सिंपली यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर मुझको लगता है कि तुम इसको फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो. अभी फ़िलहाल मेरे कोई फ्रेंड्स तो ऑनलाइन है नहीं, मतलब 70 दिन पहले भाई मेरे फ्रेंड्स भी अभी इसको छोड़ दिए हैं शायद खेलना, बट कुछ अभी भी खेलते हैं, लाइक रॉकी खेलता है, आई डोंट नो, मैं भूल गया कौन कौन वो थे, बट कोई बात नहीं. चलो ठीक है यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ तुम खेल सकते हो, एंड ये जो तुम्हारी टीम रहेगी यहाँ पे ना, तुम इस टीम के साथ उसके साथ खेल सकते हो. मतलब ये देख सकते हो इसे बहुत, मतलब इसका टफनेस लेवल भाई बहुत कुछ ज़्यादा ही हाई है भाई. एंड यहाँ पे कैप्सूल वाला कुछ था पहले, मुझको याद तो आ रहा है कुछ. चलो मैं इसको 10 into करता हूँ क्योंकि वैसे भी तो मैं गेम खेल नहीं रहा, तो ये क्रिस्टल विस्टल बचा के इसमें होता क्या है. ओके यहाँ पे सिंपली मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुमको पोकेमॉन्स मिलते हैं ना ये देखो भाई. ओके कैच इट. यहाँ पे एक्चुअली तुमको सफारी जोन भी मिलता है, तो अगर मैं तुमको अपना सफारी जोन में दिखाऊं कि क्या आया भाई, इंटरनेट काम कर जाए यार. ओके लेट मी शो यू, यहाँ पे डीऑक्सिस आया हुआ है एक्चुअली भाई, ये भी बहुत खतरनाक है लाइक. हाँ ओके यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इलाइट 4 के साथ तुम बैटल कर सकते हो, तुम विक्ट्री रोड खेल सकते हो, पोकेमॉन लीग तुम खेल सकते हो भाई, बहुत मज़ेदार है. लेकिन अब भी अगर तुम इसको गेम को डाउनलोड कर रहे हो या फिर इसको खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि तुम पहले इसको 1 से 2 month खेल लो, उसके बाद तुम्हारा लत लग जाएगा. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. ओके तो अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम इसको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे खेल सकते हो. लाइक इससे पहले मैं तुमको ये बता दूँ कि मेरे पास एक एंड्रॉयड 11 का डिवाइस था, लाइक उसमें ये गेम चला ही नहीं. उसमें ये गेम नहीं चला, वो बार बार क्रैश कर रहा था. तो मेरे पास अभी एंड्रॉयड 9 का डिवाइस है, इसमें मेरे ख्याल से वो चल जाना चाहिए क्योंकि ये इस गेम की बहुत पहले से ही मतलब आदत रही है कि उसका इनबिल्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. बट एंड्रॉयड 11 जहाँ तक की बात है, अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड 11 है तो तुम ट्राई कर सकते हो पैरेलल स्पेस डाउनलोड
अपलोड करके। अब देखो वो काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं तुमको वो नहीं दिखा रहा। तो तुमको अगर खेलना है, तुम्हारी मन बहुत है कि तुम इसको खेलो, तो तुम एक बार उसको ट्राई कर सकते हो, या फिर तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दो कि तुमको वो खेलना है। ओके, लेट मी शो यू कि तुम्हारे पास अगर एंड्रॉयड 9 का डिवाइस है या फिर एंड्रॉयड 10 है, माइट बी एंड्रॉयड 10 में काम कर जाए, या फिर उससे नीचे एंड्रॉयड वर्जन है तुम्हारे डिवाइस का, तो कैसे तुम उसमें खेल सकते हो। नाउ सबसे पहले तुमको गेम की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमको मेरे लिंक्स को यूज़ करने नहीं आता तो वहाँ पे एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तुम जाके सिंपली उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके देन, तुमने अभी फाइल को डाउनलोड कर लिया है तो तुमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज जेट आर्काइवर एप्लीकेशन, क्योंकि तुमको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली तुम पहले वहाँ चले जाओ जहाँ पे तुमने उसको डाउनलोड किया है, तो मेरा सिंपली डाउनलोड में है, एंड ये तुम देख सकते हो ट्विनर कैनियन वर्जन 4.zip, ये वाला फाइल तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली तुमको इसको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन दिख रहा है, तुमको सिंपली ये क्लिक कर देना है, एंड ये ऑफकोर्स अपने आप ही एक्सट्रैक्शन होने लगेगा। तुमको थोड़ा सा वेट करना है, तुमको ये सारी फाइल्स मिलेगी। अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो तुमको ये वाला फाइल मिलेगा, एंड ये चार फाइल तुमको मिलना चाहिए, ये वाला फाइल मिलेगा एंड्रॉयड का। ओके, तो सबसे पहला काम तुमको करना है, तुमको सिंपली ये एंड्रॉयड का जो फाइल मिल रहा है फोल्डर, यहाँ पे इस पर क्लिक करो, एंड तुमको अंदर में ये मिलेगा, तुमको सिंपली इसको क्लिक करके रखना है, एंड उसको वहाँ से कॉपी कर लेना है, फिर कट कर लेना है। तो सिंपली मैं कट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड तुमको फिर पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है, एंड यहाँ पे तुमको दूसरा एंड्रॉयड का फोल्डर मिलेगा। तो सिंपली तुम इस पर क्लिक करो, यहाँ पे तुमको डाटा है, तुमको एक OBB का फोल्डर यहाँ भी मिलेगा, मेरे पास नहीं है क्योंकि इस सेकेंड वाले फ़ोन में मेरे पास कोई भी गेम नहीं है जो मैंने इंस्टॉल किया है प्ले स्टोर से, तो मेरे को एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन तुमने अगर कोई प्ले स्टोर से गेम इंस्टॉल किया होगा तो तुम्हारे में ऑफकोर्स होगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं OBB का फोल्डर ले लेता हूँ। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है क्योंकि मेरे सेकंड फोन में कुछ भी है नहीं, तो यहाँ से सिंपली मैं OBB को ही पेस्ट कर देता हूँ, वो भी ठीक ही रहेगा। ओके, तो OBB में हमारा ये फोल्डर आ चुका है, तो मैं तुमको लास्टली दिखा देता हूँ तुम्हारा कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे एक एंड्रॉयड का सिंबल बनेगा जिस फोल्डर में तुम्हारा एंड्रॉयड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करने के बाद तुमको डेटा, OBB एंड मे बी एक और तीसरा फोल्डर मिल जाए। तो यहाँ OBB पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा ये गेम का ये वाला फोल्डर आएगा। तो सिंपली अभी तुम गेम को इंस्टॉल कर लो, जाके इसका APK जो लिखा हुआ है जहाँ पे, तो सिंपली इस पर वन टैप करो, एंड यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो। एंड यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा ये सेटिंग का ऑप्शन तुमको ये अलाउ करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, अगर तुम इसको सेकंड टाइम कर रहे हो तो वो सेकंड टाइम में नहीं मांगता। ओके, तो सिंपली ये थोड़ा सा वेट होगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी तुमको सिंपली इसको ओपन कर लेना है क्योंकि तुमने सारा काम कर दिया है। तो ये सिंपली इस तरीके से ओपन होता है, एंड यहाँ पे तुमको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम गेम विल बी रीस्टार्ट वंस आफ्टर 5 to 20 सेकेंड ब्लैक स्क्रीन पीरियड। चलो ठीक है, ये फर्स्ट टाइम होता है, तो फर्स्ट टाइम हमारा गेम क्रैश कर चुका है, ऑफकोर्स ये होता ही है। ओके, चलो ठीक है, गेम क्रैश नहीं किया, ब्लैक स्क्रीन था जो कि वो लिखा हुआ था। यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा गेम फर्स्ट टाइम बंद हो जाए, लेकिन सेकंड टाइम जब उसको खोलोगे तो वो परफेक्टली फाइन वर्क करेगा। एंड यही सिंपली यहाँ पे तुम्हारा अगर एंड्रॉयड 11 है तो वो सिंपली क्रैश कर जाता है, मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली अभी ये थोड़ा सा प्रिपेयरिंग होगा, भाई मेरा साउंड थोड़ा कम हो जाओ। ओके, हाँ डैट्स ऑल फाइन बॉयज़, यहाँ पे थोड़ा सा तुमको वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपली इसको वेट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे तुम्हारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल तुम्हारे पास अगर कोई अकाउंट है तो तुम खेल सकते हो, अदरवाइज तुम यहाँ पे क्विक स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैं तुमको क्विक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये खुलता है। ओके, तो मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, मैंने वाईफाई खोला हुआ था लेकिन बट वो दूसरे फ़ोन में, मतलब तुम उसको मत समझो अभी। फिलहाल तुम यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे सर्वर तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये लेटेस्ट सर्वर तुम्हारा खुद ही सेलेक्ट कर देगा। फिलहाल यहाँ पे तुम स्टार्ट गेम कर दो, एंड इस सर्वर का नाम है इटर्नस। भाई मेरा इंटरनेट बहुत बहुत भद्दा काम कर रहा है यार, लिटरली। तो यहाँ पे कुछ तुम्हारे 18 MB के बगल वाला फाइल जो रहेगा वो डाउनलोड होगा, सिंपली हम होने देते हैं। डाउनलोड स्पीड भाई मुझको बहुत अच्छा मिल रहा है लाइक अभी। ओके, लेट जस्ट वेट, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। ओके बाइज, वी आर ऑल सेट, यहाँ पे तुम देख सकते हो गेम स्टार्ट हो चुका है हमारा फाइनली। वेलकम टू द पोकेमन, माय नेम इज ओक, पीपल कॉल मी द पोकेमन प्रोफेसर ऑफ कोर्स। ओके चलो ठीक है, ये गेम जैसे स्टार्ट होता है वैसे तो स्टार्ट हो चुका है, बट सबसे बढ़िया चीज़ लगती है कि ये बहुत छोटे वाले डिवाइस में भी काम कर जाता है। मेरे को नाम अभी कुछ रखना नहीं है, मेरा नेटवर्क वैसे भी प्रॉब्लम दे रहा है मुझको।
सो अभी तुमने देख लिया कि तुम्हारे एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे काम करेगा, तुम इसको कैसे खेल सकते हो। अभी तुमको वीडियो पसंद आई तो तुम वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरह के फर्दर मोर वीडियोस देखना तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपना प्यार दिखाना मत भूलना उस कमेंट सेक्शन में। फिलहाल यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो।